अगस्त पर चित्र बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान होने वाला है। बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको वन नंबर लिखना है, इसके बाद दोस्तों इधर आप ऐसे एक फाइव नंबर लिख दीजिएगा। फाइव नंबर लिखने के बाद यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, छोटा सा पॉइंट लगाइए और इधर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह इसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ बढ़ाएंगे, एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाइए, यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अब दोस्तों हमें बहुत ही आसानी से इसको ऐसे नीचे के साइड में मिलाना होगा, बहुत ही आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। यहाँ से यूँ मिलाइए, इसके बाद एक लाइन आप इधर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर, एक आपका यहाँ पर ऐसे जाएगा। अब हमें ले लेना है स्केल, स्केल की मदद से दोस्तों आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। तो मेरा स्केल नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ दोस्तों, आपको यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, यहाँ से ऐसे छोटी सी लाइन और इसको भी आसानी से ऐसे डबल कर दीजिए, पूरा आप ऐसे डबल करेंगे, इसको यूँ मिलाइए। अब आपको इसी के बगल ही एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, एक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर से यहाँ पर मिलाएंगे, नीचे से यूँ मिला दीजिए, यहाँ से इधर ऐसे बढ़ाएंगे, ऊपर एक छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके पॉइंट लगाएंगे, इधर भी ऐसे करिएगा, ऊपर दोस्तों यहाँ पर यूँ कर दीजिए और यहाँ से आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। इधर लिखना है भारत माता की जय, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा भारत माता की जय। तो चलिए दोस्तों अब हम बहुत ही आसानी से इस सुंदर से तिरंगे को कलर भी करना सीख लेते हैं।